हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल व्हाट द करी। आज बनाएंगे हम गोभी मसाला करी। अब ये वाली जो सब्जी होती है ना, कभी जाओ किसी इंडियन शादी में तो कभी गोभी होती है तो इस तरह बनाई जाती है, खूब मसालेदार, खूब टेस्टी, खूब चटपटी, स्वाद से भरी हुई। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, हम गोभी और आलूओं को फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल लिया है तेल फ्राइंग के लिए। और फिर मेरी वही टिप, चॉपस्टिक से देखिए तेल कितना गर्म है जब उसमें बबल्स बन जाए। अब ये गोभियों के फ्लोरेट्स मैंने इस तरह काट लिए हैं, ये देखिए ऐसे। अब जब तेल गर्म हो जाए तो मैं ये इसमें डाल दूंगी, देखिए ऐसे। और इसको अब हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन तक हम पकाएंगे। अगर आपके गोभी के फ्लोरेट्स कुछ छोटे साइज के हैं तो उनको आप पहले निकाल दीजिए और फिर बाकी कुक होने दीजिए। देखिए ये छोटे छोटे वाले मैं पहले निकाल दूंगी। अब जब तक बाकी कुक हो रहे हैं, ये देखिए इस तरह कुक हो जाएंगे, एकदम बढ़िया से पक चुकी है गोभी। अब नेक्स्ट इसी ऑयल में हम आलूओं को भी फ्राई कर लेंगे। आलू मैंने इस तरह काटे हैं, थोड़े लंबे लंबे से और थोड़े पतले, जिससे ये जल्दी से फ्राई हो जाए और बहुत देर ना लगे। चलिए अब इसको भी हम लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे, आलूओं को पूरा अच्छे से कुक कर लेंगे। अब देखिए ये हो गए हैं आलू भी कुक, गोभी भी फ्राई हो चुकी है। अब ये हमारा इंग्रेडिएंट, मेन इंग्रेडिएंट रेडी है। अब नेक्स्ट प्रेप करेंगे हम मसाले की तैयारी। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज के अनियंस को ग्राइंडर में, हैंड ग्राइंडर यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, उसमें डाल दिया है, देखिए ऐसे। और गोभी की सब्जी बनाए और उसमें अदरक ना डालें तो क्या बात हो। तो अब हम डालेंगे इसमें अदरक और फिर डालेंगे, यहाँ पे मैंने फ्रेश रेड चिलीज लिए हैं, आप ग्रीन चिलीज लीजिए। और ये सारा का सारा मैं हैंड ग्राइंडर से अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए कुछ इस तरह। तो ये भी हो गया हमारा एक इंग्रेडिएंट रेडी। हमने गोभी फ्राई कर ली है, आलू फ्राई कर लिए हैं और ये हो गया हमारे ग्रेवी का एक और इंग्रेडिएंट। चलो अब फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं फटाफट। ये है वो फ्राइड आलू और गोभी, ठीक है। और फिर ये है प्याज जो हमने अभी चॉप किया था अच्छे से। फिर ये है टोमेटोज, ये हैं 2 स्मॉल साइज टोमेटोज जिसको मैंने अगेन पेस्ट बना लिया है, फ्रेश क्रीम है। और फिर कुछ यूजुअल से मसाले जो हैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च, ज़ीरा, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हाँ यहाँ थोड़ा सा दही डालूंगी और फ्रेश कोरिएंडर। बस देखिए यही चाहिए हमारे को इस मसालेदार गोभी को बनाने के लिए। अब वो जो तेल था जिसमें मैंने फ्राई किया था, मैं क्या करूँगी, अब इसको थोड़ा कम कर दूंगी क्योंकि इतना तेल हमें अब नहीं चाहिए। तो अब इसी कढ़ाई में तेल को कम करके हम गैस में लगा देंगे। अब तेल तो हमारा गर्म ही था तो हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ज़ीरा। फिर डालिए लाल मिर्च पाउडर, मैंने यहाँ पे देगी लाल मिर्च ली है जिससे सुंदर सा कलर आ जाए। आप अपने स्पाइस लेवल के हिसाब से स्पाइसी भी ले सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा हम करेंगे मिक्स और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल देंगे, वो जो हमने प्याज, मिर्च और अदरक के छोटे छोटे पीसेस करे थे हैंड ग्राइंडर में, इसको इसमें। अब थोड़ी देर तो ये प्याज अच्छे से भूनना पड़ेगा, इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और अच्छे से भूनेंगे प्याज को, अदरक को, मिर्च को, और जिससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आए। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन तक करेंगे। अब देखिए ये प्याज काफ़ी अच्छे से भून चुका है, थोड़ा थोड़ा तेल भी अलग हो रहा है, आपको दिख रहा है कितना सुंदर दिख रहा है ना।
अब जब थोड़ा सा तेल और अलग हो जाए तो हम इसमें डाल देंगे अपना नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है हमने वो जो टमाटर पीसा था ये। अब इसको हम डाल देंगे। अब प्याज और टमाटर को हम भूनेंगे और अच्छे से। ये एक्चुअली शाही गोभी हो जाती है अगर आप इसको ऐसे बना ले। गोभी की सब्जी तो खाते रहते हैं, इस तरह बनाइए तो बहुत ही स्पेशल फ्लेवर आ जाता है। और स्पेशली जिनको गोभी इतनी पसंद ना हो वो ज़रूर इस तरह ट्राई करें, आई एम श्योर आपको पसंद आएगी। अब प्याज टमाटर हमारा काफ़ी पक चुका है, चलिए अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद अनुसार नमक और फिर डाल देंगे हम यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी जिससे सुंदर सा कलर आ जाए। करिए इसको मिक्स और थोड़ा सा और हम भूनेंगे अब प्याज टमाटर को। आइडली मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा ये और भुन जाए, तेल देखिए ऐसे और अलग हो जाए, इसकी थोड़ी रेशो कम हो जाए। वो जब पकता है तो धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम होती जाती है। देखिए अब ये काफ़ी हद तक भुन चुका है, बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम डालेंगे थोड़े से मसाले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला डालूंगी और डालूंगी इसमें धनिया पाउडर, देखिए ये। अब इसको करिए आप मिक्स। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है उसके लिए हम कर लेंगे आंच को तेज और फटाफट डाल देंगे ये दही उसमें और कड़छी को जोर जोर से हिलाएंगे जिससे ये दही फटे ना, देखिए इस तरह। दही डालने से इस ग्रेवी में हल्की सी खटास आती है, स्वाद आता है और क्रीमीनेस भी आती है। ऐसी वाली ग्रेवी में दही का एक दानेदार टेक्सचर भी आता है जो बहुत ही बढ़िया लगता है। अब देखिए हमारा तो पूरा का पूरा मसाला गोभी मसाला रेडी है। अब हम इसमें डाल देंगे ये फ्रेश कोरिएंडर। अगर आपके पास कोरिएंडर के स्टेम्स हो तो वो भी डालें, उससे बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है। यहाँ पे अभी मैंने सिर्फ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डाले हैं। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है ये ऑप्शनल है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी फ्रेश क्रीम डाल दूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अप्रॉक्सीमेटली एक बड़ा टेबल स्पून है, बस इसको डाल दीजिए, इससे बहुत बढ़िया क्रीमी फ्लेवर आएगा। एक्चुअली ये बहुत ही यूनिवर्सल ग्रेवी है, आप इस ग्रेवी के साथ कोई भी सब्जी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि आप मटर पनीर बना रहे हों, आलू मटर बना रहे हों, यहाँ तक कि कढ़ाई पनीर बना रहे हों, तो कुछ इसी तरह के मसाले यूज़ होते हैं। चलिए अब देखिए तेल इसमें से अलग हो चुका है, बस अब ज़्यादा कुछ करना नहीं है। जो हमने आलू और गोभियों को फ्राई किया था हम इस मसाले में डाल देंगे, देखिए इस तरह सारी की सारी आलू गोभी फ्राइड हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसको करेंगे मिक्स। हम आज को इस टाइम मीडियम फ्लेम में कर देंगे, बहुत हाई फ्लेम मत रखिएगा, क्योंकि अभी थोड़े से ये मिक्सचर्स हमें गोभी में अच्छे से इन्फ्यूज़ करने हैं, फ्लेवरफुल बनाना है, तो थोड़ा तो कुक करेंगे ही ना। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, देखिए इस तरह। पानी इसलिए डालते हैं क्योंकि अभी कुकिंग बाकी है और इसको थोड़ा मॉइस्चर चाहिए, नहीं तो नीचे लग जाएगा। इसको करिए मिक्स। अब लास्ट 5 मिनट्स के लिए मैं इसको थोड़ी देर ढक दूंगी धीमी आंच में। अब हम इसको खोल के देखते हैं, देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना हमारी मसालेदार गोभी, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है शादियों की सब्जी।
चलिए अब हम इसको सर्व करते हैं। सर्व करिए अपने प्लेटर में, देखिए कितनी अच्छी है। अगर आई है आपको ये रेसिपी पसंद तो प्लीज़ इस वीडियो को करिए लाइक और हमारे व्हाट द करी चैनल को सब्सक्राइब, और हाँ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, तभी मिलेंगे ऐसी रेसिपीज़ के बढ़िया बढ़िया नोटिफिकेशंस। लास्ट में इसको करिए गार्निश क्रीम के साथ, ये ऑप्शनल है पर अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है इससे। और फिर इसमें डाल दीजिए फ्रेश कोरिएंडर और इसको खाइए फूली फूली गरम गरम रोटी के साथ। आई होप यू लाइक दिस, इंजॉय व्हाट द करी।